हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने समझा था एस्केल्मिंथिस के बारे में। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एनलिडा के बारे में। देखिए फाइलम सिक्स एनलिडा। देखिए जो एनलिडा के मेंबर्स होते हैं, हम इनको सेगमेंटेड वॉर्म भी बोलते हैं। सेगमेंटेड वॉर्म इसलिए बोलते हैं कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इस तरह से एक्सटर्नली और इंटरनली इनकी बॉडी डिवाइड होती है, इसलिए हम इनको सेगमेंटेड वॉर्म भी बोलते हैं। देखिए जो फाइलम एनलिडा के मेंबर्स होते हैं, ये एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक का मतलब ये पानी में पाए जाएंगे, और पानी में भी मरीन वाटर में और फ्रेश वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। मरीन वाटर का मतलब भी खारे पानी में ओशन के अंदर पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर का मतलब जो ये आपका तालाब का पानी है वहाँ पाए जाएंगे, या फिर ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मतलब जमीन पाए जाएंगे, सॉइल के अंदर पाए जाएंगे, फ्रीली मूविंग हो सकते हैं, या फिर ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, और कभी कभी ये पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो दे में भी एक्वेटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। देखिए यहाँ पर जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का। ऑर्गन सिस्टम लेवल में हमने आपको बताया था, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, या फिर हम कह लें एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, न्यूरल सिस्टम हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब हमें को सेंट्रल एक्सिस से सिर्फ एक प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये सब तो आपको याद ही होगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ट्रिप्लोप्लास्टिक कौन होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल कौन होता है, रेडियल सिमेट्री कहाँ पाई जाती है, नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया वहाँ पे। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब इनमें तीन जर्म लेयर पाए जाएंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट होगी। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब इनकी बॉडी इस तरह से सेगमेंट के फॉर्म में एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होगी, एटलीस्ट सम ऑर्गन। जो सेगमेंटेशन होगा ये इनका सीरियल लिपिटेशन होता है, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। मतलब जो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसकी लाइनिंग बनाएगा मेसोडर्म, सीलोमेट। तब इसको भी मेरे फर्स्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि सीलोमेट क्या होता है, ए सीलोमेट क्या होता है, सीडो सीलोमेट क्या होता है, वहां मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। देखिए इनकी बॉडी होती है, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स। इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, या फिर इन सेगमेंट्स को बोलते हैं हम मेटामियर्स, मेटामियर्स, और इसीलिए इनका नाम रखा गया, हेंस द फाइलम नेम एनेलिडा। एनिलिडा जो टर्म आया, ये आया एन्यूलस से, और एन्यूलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, मतलब इनकी बॉडी में छोटी छोटी रिंग पाई जाती हैं, उन्हीं रिंग के अरेंजमेंट से इनकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और उन रिंग को बोलते हैं हम लोग मेटामियर्स और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया, आप देख सकते हैं इनकी बॉडी इस तरह से एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड है। ये जो आपको फिगर दिखाया गया, ये नेरिस का एग्जाम्पल है इसका, और ये जो आपको फिगर दिखा जा रही है हीरोडिनेरिया का। अब देखिए यहाँ पे जो अपेंडिजेस दिखा जा रहे हैं, इनको बोलते हम लोग पैरापोडिया, इसको बोलते हम लोग पैरापोडिया, और इनका काम होता है ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ये। उसके अलावा इनके पास आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, और इन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स का काम होता है लोकोमोशन में, और ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल का काम है लोकोमोशन में हेल्प करना। देखिए अगर हम एक्वेटिक एनलिड की बात करें, एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाने वाला एनलिड्स, जैसे कि नेरिस, नेरिस के अंदर पाया जाता है लैटरल अपेंडेजेस, जिसको बोलते हम लोग पैरापोडिया,
और पैरापोडिया स्विमिंग करने में हेल्प करता है। तो फिगर में देख लीजिए, नेरिस यही लेटरल अपेंडिटिस है और उसको बोलते हैं हम लोग पैरापोडिया, और ये पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग। देखिए हमने आपको बताया था क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम दो जगह प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे, एक तो एनेलिडा और दूसरा कॉर्डेटा के अंदर। अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। देखिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होता है वो होता है वेसल्स के थ्रू, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे जो इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रेडिया, और सिंगुलर में बोलते हैं इनको हम नेफ्रेडियम। और इनका काम होता है ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब कि बॉडी के अंदर से वाटर के और आयंस के, या फिर कह लें बॉडी के अंदर से हम इलेक्ट्रोलाइट के और वाटर के बैलेंस को ये मेंटेन करते हैं। और क्या करते हैं, एस्क्रीशन मतलब बॉडी से जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल है इनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो नेफ्रेडिया सिंगुलर में इसको बोलते हैं हम नेफ्रेडियम, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। देखिए यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी मटर होता है वो होता है अमोनिया इन एक्वेटिक फॉर्म्स, मतलब जो पानी में पाए जाने वाले एनलिट्स हैं वो सिक्रेट, वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। अमोनिया इसलिए उनको बोलते हैं हम अमोनोटेलिज्म। और जो लैंड फॉर्म्स मतलब जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है इनका, जो जमीन पे पाए जाते हैं, जो मिट्टी में पाए जाते हैं, इन ये सिक्रेट करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, तो इनको बोलते हैं हम लोग यूरियोटेलिज्म। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से याद रखिएगा इसको, कि जो एक्वेटिक फॉर्म्स होती है, जो एनेलिडा की एक्वेटिक फॉर्म होती है ये एक्सक्रीट करती है अमोनिया, इनको बोलते हैं हम लोग अमोनोटेलिज्म। और जो लैंड फॉर्म है मतलब जो जमीन पे पाई जा रही है ये एक्सक्रीट करती है यूरिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूरियोटेलिज्म। देखिए इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये बना होता है गैंग्लिया का, देखिए इस तरह से इनका ब्रेन होता है, और ब्रेन के बाद इनकी बॉडी में इस तरह से नर्व कॉर्ड पाई जाती है। देखिए ये जो आपको दिखाई जा रहा है ये है लैटरल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, और ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है, इसको बोलते हम लोग गैंग्लिया, गैंग्लिया। पेट के फॉर्म में होती है और यहां से निकली होती है, लैटरल नर्व। देखिए द न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, इनका न्यूरल सिस्टम बना होता है पेयर्ड गैंग्लिया का, सिमिलर में इनको बोलते हैं हम लोग गैंग्लियॉन, कनेक्टेड बाय द लैटरल नर्व, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है बाय द लैटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखिए ये आपको वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिखाया गया है। तो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाई लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखिए अगर हम नेरिस की बात करें तो नेरिस ये एक्वेटिक एनेलिड है और ये डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम अर्थवर्म की बात करें, अर्थवर्म और लीच की बात करें, तो ये मोनोसियस होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है और नेरिस डायोसियस है। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्थवर्म और लीच की अगर हम बात करें ये मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जाएगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे। एग्जाम्पल्स इनके देख लीजिए, नेरिस है, पेरेटिमा, पेरेटिमा पास्थोमाइज एंड साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्थोमा एंड हेरुडिनेरिया। हेरुडिनेरिया को बोलते हैं हम लोग ब्लड सकिंग लीच। ये क्या करता है कि एनिमल्स की बॉडी से, कैटल्स की बॉडी से ये चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद घंटों तक उसे खून चूसते रहते हैं। तो हेरुडिनेरिया इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड सकिंग लीच।
चलिए, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा, तो हम ये क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, जो फाइलम एनालिडा होता है इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। द फाइलम एनालिडा डी इज डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस। वो कौन सी 3 क्लास है? पहली क्लास है पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरुडिनिया। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली, देखिए पहली क्लास पढ़ते हैं हम लोग पॉलीकीटा। पॉलीकीटा, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, इसका मतलब इनके अंदर। एस शेप्ड स्ट्रक्चर, देखिए देखिए इनके अंदर अगर हम देखें तो इस तरह से एस शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग सिटी। इनको कहा जाता है सिटी। तो जो पॉलीकेटा के मेंबर्स होते हैं इनके अंदर, पॉली का मतलब मिनी, मतलब मल्टीपल या न्यूमरस, कह रहे बहुत सारा सिटी पाया जाता है। तो दीज एनिमल्स ऑफ मल्टीपल और न्यूमरस सिटी। देखिए इनका जो डेवलपमेंट होता है, इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, और जो लार्वा होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोकोफोर लार्वा। यहाँ पर लार्वल स्टेज पाई जाती है और लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। यहाँ पर पैरापोडिया भी प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है, हमने पढ़ा कि जिस किसका काम होता है स्विमिंग में, नेरिस को ये स्विमिंग में हेल्प करता है, इसका मतलब ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो पॉलीकेटा, पॉली मतलब होता है मेनी। दीज एनिमल्स ऑफ मल्टीपल आर न्यूमरस सिटी। डेवलपमेंट इंक्लूड्स लार्वल स्टेज, और लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर। पैरापोडिया प्रेजेंट विच हेल्प इन लोकोमोशन। एग्जाम्पल है इसका नेरिस। नेरिस को कॉमनली बोलते हैं हम लोग सैंड वॉर्म। अगला है एफ्रोडाइट, इसको बोलते हैं हम लोग सी माउस। अगला आपके पास ओलिगोकीटा। ओलिगो का मतलब है क्यू, इसका मतलब इनके अंदर क्यू सीटी पाई जाएंगी। सीटी का नंबर पॉलीकेटा के मेंबर्स के कंपेरिजन में कम होता है। ओलिगोकीटा, ओलिगो का मतलब क्यू, और इनके अंदर हेड नहीं पाया जाएगा, पैरापोडिया नहीं होगा। बॉडी लैक हेड एंड पैरापोडिया। यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, और यहाँ पर पॉलीकेटा में लार्वल स्टेज होती है। कौन सा लार्वा का नाम है यहाँ पे? ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। डेवलपमेंट देखिए, एग्जाम्पल इसका फेरेटिमा। फेरेटिमा पास्तुमा इज एन आर्थवा, साइंटिफिक नेम ऑफ आर्थवा। उसके अलावा है ट्यूबीफेक्स। ट्यूबीफेक्स को बोलते हैं हम लोग ब्लड वॉर्म। देखिए आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था ब्लड फ्लू के बारे में, यहाँ पे लिखा गया ब्लड वॉर्म। ब्लड फ्लूक इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिहेलमिंथीस एंड ब्लड वॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनलिडा। टू बी फैक्स द ब्लड वॉर्म। अगला आपके पास हिरोडिनिया। देखिए हिरोडिनिया आया है टर्म हिरोडो से, इसका मतलब है लीच। बॉडी लैक्स हेड एंड पैरापोडिया, यहाँ पर हेड नहीं होगा, पैरापोडिया नहीं होगा, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होगा। तो बॉडी लैक्स हेड एंड पैरापोडिया, सिटी आर ऑल्सो एबसेंट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज, यहाँ पर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। हमने सबसे पहले देखा पॉलीकीटा, फिर हमने देखा ओलिगो कीटा, फिर हमने देखा, रुकिए हम ऐसे बता दे रहे हैं आपको, सिटी, पैराफोडिया, लार्वा। देखिए अगर हम पॉलीकीटा की बात करें, पॉलीकीटा, फिर हमने आपने पढ़ा ओलिगोकीटा, फिर आपने पढ़ा हेरोडेनिया। देखिए जो पॉलीकीटा के मेंबर्स होते हैं यहाँ पर न्यूमरस सिटी होती है, पैराफोडिया पाया जाता है, लार्वल स्टेज भी है। लेकिन जो ओलिगोकीटा है यहाँ पर सिटी प्रेजेंट है, पैराफोडिया लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। अगर हम हेरोडेनिया की बात करें तो यहाँ पर सिटी भी नहीं है, पैराफोडिया भी नहीं है, लार्वल स्टेज भी नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। हिरोडेनिया ग्रीक हिरोडो अल हिरोडो लीच। बॉडी लैक्स हेड एंड पैराकोडिया। सिटी आर ऑल्सो एबसेंट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल है हिरोडिनेरिया। हिरोडिनेरिया को बोलते हैं हम लोग कैटल लीच। ये क्या करता है कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाता है और घंटों तक खून को चूसता रहता है। लेकिन खास बात है कि वहाँ पर खून जो होता है या जो ब्लड होता है वहाँ पे वो कोगुलेट नहीं करता है। जैसे कि अगर हमारा ब्लड बाहर निकल जाए तो कुछ मिनट के बाद ये कोगुलेट कर जाता है, लेकिन ये घंटों तक
ब्लड को सक करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लड कोगुलेट नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने स्लाइवा में एक एंटी कोगुलेंट रखते हैं। एंटी कोगुलेंट का मतलब ऐसा ही मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है, और इसका नाम है हेरोडीन। हेरोडोनिया इज अ सैंग्वीवोरस। सैंग्वीवोरस का मतलब होता है कि ब्लड को चूसने वाले, फीड्स ऑन ब्लड। ब्लड डज नॉट कोगुलेट ड्यू टू मिक्सिंग विद एन एंटी कोगुलेंट हीरोडीन। कह रहे हैं कि ये अगर ब्लड चूस रहे होते हैं तो ब्लड कोगुलेट नहीं करता है। ब्लड कोगुलेट इसलिए नहीं करता है कि ये सेक्रेट करते हैं एक एंटी कोगुलेंट जिसका नाम है हीरोडीन। इसी की वजह से ब्लड कोगुलेट नहीं करता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में। देखिए जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम, या कह लें हम कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म जिस फाइलम में आते हैं वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। जितने भी आप इंसेक्ट्स देखते हैं सारे इंसेक्ट्स इसी फाइलम के अंदर आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो जो सबसे बड़ा फाइलम है मतलब 70% से लगभग 70% स्पीसीज, जितनी भी एनिमल की स्पीसीज हैं उनमें 70% लगभग स्पीसीज आती हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। एंड सेटल ने क्या ओवर टू थर्ड, मतलब दो टू थर्ड, टू थर्ड का मतलब 66% से भी ज्यादा, मतलब लगभग 70% एनिमल की स्पीसीज आती हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। ओवर टू थर्ड्स ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। देखिए यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हमने आपको बताया था प्लेटिहेलमिंथस, इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सब के सब ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं। देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड। देखिए सेगमेंटेड अभी आपको, सेगमेंटेड अभी हमने आपको बताया था एनेलिडा के अंदर। और दूसरा जो सेगमेंटेड है, जो सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म से जो सेगमेंटेड एनिमल्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। और ये सिरोमेट होते हैं, सिरोमेट एनिमल्स होते हैं। तो इतनी चीज़ें तो आपके लिए पुरानी है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल्स, सेगमेंटेड। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पुरानी है। मैंने आपको सारा चीज़ फर्स्ट वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो। देखिए इनकी बॉडी की जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, एक्सटर्नल जो इनकी बॉडी का जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है ये बना होता है काइटिन का। काइटिन, आपने एक जगह सिलवाल पढ़ी है काइटिन की, बताइए कहाँ आपने सिलवाल पढ़ी है? फंजाई के अंदर, और फंजाई की सिलवाल थी वो काइटिन की बनी हुई थी। और आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है मतलब जो एक्सटर्नल एक्सकेलेटन होता है वो बना होता है काइटिन का। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। देखिए इनकी जो बॉडी होती है ये तीन पार्ट में डिवाइड होती है। इनके तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? हेड होता है, हेड के बाद आता है थोरैक्स, और थोरैक्स के बाद आता है एब्डोमेन। तो इनकी बॉडी में तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? देखिए हेड, उसके बाद हो गया थोरैक्स, और जो सबसे पीछे वाला है ये इसको बोलते हैं हम लोग एब्डोमेन। एब्डोमेन द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देखिए इनकी जो बॉडी होती है, एक तो यहाँ पे सेगमेंट पाया जाता है इस तरह से, और अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर सेगमेंट का नंबर भी अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर जो अपेंडेजेस होते हैं मतलब जो इनके पैर होते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा में जो आर्थ्रोज आया इसका मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, मतलब जो इनके पैर होंगे ये आपस में जुड़े होंगे एक दूसरे से, और ये हमेशा पेयर्ड के फॉर्म में पाए जाते हैं, थ्री पेयर्ड होंगे या फिर फोर पेयर्ड होंगे।
देखिए, जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, ये हो सकता है चाहे तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं, या फिर बुक गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं, या फिर बुक लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं, या फिर ये ट्राइकिया के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स, बुक गिल्स और ट्राइकियल सिस्टम। एक यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मैंने आपको दो जगह बताया है क्लोज्ड, बाकी जगह जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा वहाँ पर ओपन होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, तो यहाँ पर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, मतलब जो यहाँ पर टिश्यूज और सेल्स होती हैं डायरेक्टली ब्लड के कंटेक्ट में आते हैं, यहाँ पर वेसल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो नहीं होता है। सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि एंटेना, देखें कि हेड पर इस तरह से एंटेना पाया जाएगा, ये सेंसरी ऑर्गन है, सेंस करने में हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पर आई पाई जाएंगी, और आई जो होती है चाहे तो सिंपल आई होती है या फिर ये कंपाउंड आई हो सकती है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना, आईज प्रेजेंट, उसके अलावा आईज प्रेजेंट होती है, और आईज हो सकती है कंपाउंड और सिंपल हो सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर इनको बैलेंस करने के लिए एक बैलेंसिंग ऑर्गन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैटोसिस्ट बोला जाता है। स्टैटोसिस्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटोसिस्ट आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना आइज कंपाउंड एंड सिंपल, स्टैटोसिस्ट आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है ये होता है थ्रू द मालपिजियन ट्यूबल्स। देखिए मालपिजियन ट्यूबल्स क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 7, जब हम आपको कॉकरोच पढ़ाएंगे। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपिजियन ट्यूबल्स, देखिए हमारे अंदर जैसे एक्सक्रीशन करने के लिए किडनी पाई जाती है, उसी तरह यहाँ पे एक्सक्रीशन करने के लिए मालपिजियन ट्यूबल्स पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर डायोसियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है, देखिए हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको कहीं भी नहीं याद करना है, सिर्फ आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद करना है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन 3 या 4 जगह पाए जाते हैं, तो मैं लास्ट टाइम में आखिरी वीडियो में आपको बता दूंगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पाए जाते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप याद कर लीजिएगा, बाकी जितना बचेगा तो आप समझ जाएगा कि यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, ज़्यादातर ये ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस का मतलब ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब इनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी, और इनडायरेक्ट का मतलब इनमें लार्वल स्टेज पाई जाएगी, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती है। अब इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स इनमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब इनसे हमें पैसे मिलते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जैसे कि एपिस, एपिस जिसको बोलते हैं हम लोग हनी बी, इनसे हमें हनी मिलती है, शहद मिलता है इनसे। उसके अलावा है बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्क वॉर्म, और इससे हमें मिलता है सिल्क। लैसीपर, इसको बोलते हैं हम लोग लैक इंसेक्ट। उसके अलावा कुछ वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स का मतलब ये डिजीज को एक ऑर्गेनिज्म से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। तो वेक्टर्स जैसे कि एनोफिलिस, मॉस्किटो, क्यूलेक्स एंड एडिस, ये 3 मॉस्किटो के स्पीसीज हैं। एनोफिलिस, क्यूलेक्स, ये 3 मॉस्किटो के आपको जीनस दिए गए हैं, क्यूलेक्स एंड एडिस। उसके अलावा कुछ पेस्ट होते हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट जो कि झुंड में पाए जाते हैं, और उसका एग्जांपल है लोकस्टा, इसको बोलते हैं लोकस्ट। उसके अलावा कुछ लिविंग फॉसिल्स हैं जैसे कि लाइमुलस, और इसको बोलते हैं किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल्स उनको बोलते हैं जिनका रिस्ट्रिक्टेड ऑक्रेंस हो, या फिर लंबे जियोलॉजिकल पीरियड के बाद भी इनके अंदर कोई भी चेंजेस न हुआ हो, तो उनको बोलते हैं हम लोग लिविंग फॉसिल। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है लोकस्टा, ये आपको दिखाया गया बटरफ्लाई, ये आपको दिखाया गया स्कॉर्पियन, और ये आपको दिखाया गया प्रॉन, और ये सारे मेंबर्स हैं आर्थ्रोपोडा के, ये सारे मेंबर्स या सारे एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोडा के। चलिए इनका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स को 7 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? ओनाइकोफोरा, मेरोस्टोमा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, एरेक्निडा, क्रस्टेशिया एंड इंसेक्टा। तो ये 7 क्लास हैं। तो ओनाइकोफोरा में आपको बस एक एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल वो है पेरिपेटस।
और ये पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। मतलब पेरिपेटस के अंदर एनेलिडा की भी कुछ खासियत पाई जाती है और आर्थ्रोपोडा की भी कुछ खासियत पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिंग लिंक। पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। आपसे याद रखेंगे इसको आम आदमी पार्टी से। उसके अलावा है एग्जाम्पल मिरिस्टोमा का, एग्जाम्पल है इसका लाइमुलस, ये लिविंग फॉसिल है, इसको बोलते हैं हम लोग किंग क्रैब, ये एक लिविंग फॉसिल है, अभी हमने आपको बताया। उसके अलावा चिलोपोडा डिप्टोपोडा, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अगली क्लास है अरेक्निडा। देखिए अरेक्निडा में 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, मतलब इनके अंदर 4 जोड़े पैर पाए जाते हैं। और पैर कैसे होंगे या फिर इनके लेग्स कैसे होंगे, ज्वाइंटेड पाए होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। देखिए रेस्पायरेशन जो यहाँ पे होता है वो होता है बुक लंग्स और ट्रेकिया के थ्रू, या फिर बुक लंग्स और ट्रेकिया दोनों ही पाए जाएंगे। एक्सक्रीशन होता है यहाँ पे मालपीजियन ट्यूबल्स के थ्रू, या फिर यहाँ पे होता है कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू, या फिर दोनों पाए जाएंगे और बोथ। क्रस्टेशिया, क्रस्टेशियम एक्सक्रीशन करने के लिए पाई जाती हैं ग्रीन ग्लैंड्स, या फिर पाई जाती हैं इनके अंदर एंटेनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक्सक्रीशन इज बाय ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनल ग्लैंड्स, रेस्पायरेशन यहाँ पे होता है गिल्स के थ्रू। तो दोबारा से आप कंपेयर कर लीजिएगा, एरेक्निडा में 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं, रेस्पायरेशन होता है यहाँ पे बुक लंग्स और ट्रेकिया और बोथ, एक्सक्रीशन होता है यहाँ पे मालपेजिन ट्यूबल्स के थ्रू, या फिर कॉक्सल ग्लैंड्स के थ्रू, या फिर दोनों ही पाए जाएंगे। क्रस्टेशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है बाय द ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स, या फिर और रेस्पायरेशन यहाँ पे होता है बाय द गिल्स। उसके अलावा इंसेक्टा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे ज्यादा जितने भी एनिमल्स हैं वो आते हैं क्लास इंसेक्टा के अंदर। दिस क्लास हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। और यहाँ पर देखिए कुछ खास बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहाँ पे पाए जाते हैं 1 पेयर ऑफ एंटेना। हमने आपको अभी फिगर में दिखाया था इस तरह से कि हेड होता है, फिर थोरैक्स होता है, फिर उसके बाद आता है एब्डोमेन। देखिए हेड में यहाँ पे एक जोड़े एंटीना पाए जाएंगे, यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स पाए जाएंगे, विंग्स 2 जोड़े विंग्स पाए जाएंगे, और इनमें 3 पेयर्स लेग्स पाए जाएंगे, 3 पेयर्स लेग्स पाए जाते हैं। 1 पेयर ऑफ एंटेना एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर जो एक्सक्रेटरी वेस्ट होता है ये होता है यूरिक एसिड, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग यूरिकोटेलिक। एक्सक्रीशन होता है यहाँ पर थ्रू द मालपीजियन ट्यूबल्स, और रेस्पायरेशन होता है बाय द ट्रेकिया। यूरिक एसिड इज चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट और वेस्ट। एक्सक्रीशन इज बाय मालपीजियन ट्यूबल्स, रेस्पायरेशन इज बाय ट्रेकिया। चलिए अब हम लोग अगले फाइलम के बारे में पढ़ते हैं, फाइलम मोलस्का के बारे में। देखिए सबसे बड़ा फाइलम के बारे में हमने अभी समझा कि जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है वो है मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, मतलब 70% स्पेसीज आती हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर है स्पेसीज का या एनिमल्स का वो आते हैं मोलस्का के अंदर। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। देखिए जो मोलस्का की मेंबर होती है टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मतलब ये सॉयल के अंदर पाए जाएंगे, या फिर एक्वेटिक हो सकते हैं, मतलब ये पानी के अंदर पाए जाएंगे, और पानी में भी कहाँ, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, मतलब ओशन के अंदर पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, पॉन्ड के अंदर लेक्स के अंदर भी पाए जाएंगे, और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये तो आपको बताना ही नहीं, मैंने आपको बताया था प्लेटिहेलमिंथस के पास जितने भी आएंगे सबके अंदर पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सीलोमेट एनिमल्स। देखिए यहाँ पर जो इनकी बॉडी होती है इनके ऊपर कवच पाया जाता है, शेल पाई जाती है, और ये बना होता है कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग कैलकेरियस शेल। अभी हमने पढ़ा कि जो आर्थ्रोपोडा की बॉडी होती है इनमें 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से थे, एक था हेड, फिर हमने पढ़ा थोरैक्स, फिर हमने पढ़ा एब्डोमेन। देखिए यहाँ पर क्या होता है इनकी बॉडी भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, फिर आता है
विसरल हम, और फिर आता है मस्कुलर वोट हेड, इसको बोलेंगे हम लोग विसरल हम्प, और ये जो आपको दिखाया जा रहा है इसको बोलेंगे हम लोग मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट क्योंकि ये मसल्स का बना होता है। देखिए विसरल हम के ऊपर इस तरह से एक स्पॉन्जी स्किन की लेयर पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल, इसको बोला जाएगा मेंटल। और ये जो आपको कैविटी दिखाई जा रही है विसरल हम और मेंटल के बीच में, इस कैविटी का नाम है मेंटल कैविटी, इस कैविटी को बोलेंगे हम लोग मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है फिदर लाइक गिल्स, यहाँ पर प्रेजेंट होता है फिदर जैसा, फिदर लाइक गिल्स, तो इसको बोलेंगे हम लोग फिदर, फिदर लाइक गिल्स। और इस गिल्स का काम होता है, गिल्स का काम होता है एक तो रेस्पायरेशन, दूसरा यहाँ पे एक और काम होता है, एक तो रेस्पायरेशन हो गया, उसके अलावा इसका काम होता है एक्सक्रीशन, उसके अलावा इसका काम होता है एक्सक्रीशन। तो दोबारा समझ लीजिए, इनकी बॉडी पर जो कैरी, इनकी बॉडी पर जो कवरिंग होती है वो कैल्शियम की बनी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग कैलकेरियस शेल। एंड इस अनसेगमेंटेड, अगली चीज, ये अनसेगमेंटेड होते हैं जैसा कि अभी हमने पढ़ा आर्थ्रोपोडा में, एनेलिडा में, क्योंकि बॉडी सेगमेंटेड होती है, लेकिन यहाँ पर इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। और इनके अंदर तीन पार्ट पाए जाते हैं, बॉडी में तीन पार्ट होंगे, हेड होगा, मस्कुलर फूट होगा, एंड विसरल हम्प होगा। देखिए विसरल हम्प, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर विसरल हम्प। देखिए विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन की लेयर पाई जा रही है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेंटल। और मेंटल हम के बीच में जो कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं हम लोग मेंटल कैविटी। और यहाँ पर है फिदर लाइक गिल्स, द स्पेस बिटवीन हम एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, विच इन विच फिदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है, इसका दो काम है, एक तो गिल्स है तो रेस्पायरेशन करेगा, उसके अलावा एक और काम है एक्सक्रीशन। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक्सक्रीशन भी गिल्स के थ्रू यहाँ पे होता है, दे हैव रेस्पायरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शंस। देखिए जो मोलस्कस के मेंबर्स होते हैं यहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन अगर हम सेपिया की बात करें, या फिर इनकी क्लास है सिफेलोपोडा, या फिर दूसरे सिफेलोपोडा की अगर हम बात करें, तो इनके अंदर पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्सेप्शंस आपके लिए होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेप्शन हो गया कि मोलस्कस के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन अगर सेपिया और दूसरे सिफेलोपोड्स के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखिए एंटेरियर हेड जो होता है इनमें पाया जाता है टेंटेकल्स, और टेंटेकल्स सेंसरी इनका फंक्शन होता है, ये सेंसरी होते हैं, मतलब ये सेंसरी ऑर्गन है, ये स्टिमुलाई को ये सेंस करते हैं, तो यहाँ पाया जाएगा टेंटेकल्स। और टेंटेकल्स ये सेंसरी होते हैं, सेंसरी इन फंक्शन होते हैं। देखिए माउथ के अंदर होता है, माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। देखिए इनके माउथ में होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब ये छिलने वाले ऑर्गन होते हैं, और ये फूड को या फीडिंग करने में या खाना खाने में हेल्प करते हैं। तो द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, और इन ऑर्गन को बोलते हैं हम लोग रेडुला बोला जाता है। देखिए ये ज़्यादातर डायोसियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं। ओवीपेरस होता है, मतलब अंडे देने वाले होते हैं, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर लार्वल स्टेज पाई जाती है, लार्वा यहाँ पर पाया जाएगा। जो यहाँ पे लार्वा होता है वो देखिए कौन कौन सा होता है, वो होता है वेलेजर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा एंड ट्रोकोफोल लार्वा। तो लार्वा के नाम याद रखेंगे कि वेलेजर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा एंड ट्रोकोफोल लार्वा, एंड ट्रोकोफोल लार्वा ये पाया जाता है मोलस्कस के अंदर। वेलेजर लार्वा, वेलेजर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा एंड ट्रोकोफोल लार्वा इज प्रेजेंट इन मोलस्कस। देखिए एग्जाम्पल्स इनके आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है पाइला, इसको बोलते हैं हम लोग एप्पल स्नेल। उसके अलावा है हमारे पास पिंगटाड़ा, इसको बोलते हैं हम लोग पर्ल ऑयस्टर्स,
सेपिया इसको बोलते हैं हम लोग कटल फिश, लॉलीगो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्विड, ऑक्टोपस ये है डेविल फिश, लेकिन ये ट्रू फिश नहीं है। ट्रू फिश क्या होते हैं बताएंगे आपको अगली वीडियो में। अप्लाइजिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल एंड किटोप्लूरा, किटोप्लूरा इज अ किटन, किटन या चिटन आप जो भी पढ़ लीजिए इसको। पहला एप्पल स्नेल, पिंटाडा, पर्ल ऑयस्टर्स, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइजिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल एंड किटोप्लूरा किटन। तो ये आपको जो फिगर दिखाई जा रही है ये है फाइला, इसको बोलते हैं लोग एप्पल स्नेल, और ये जो आपको फिगर दिखाई जा रहा है ये है ऑक्टोपस का, इसको बोलते हैं हम लोग डेविल फिश। चलिए अब कुछ नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं इनको हम आपको बता देते हैं। नियोपाइलिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। अभी आपने पिछले फाइलम में आपने हमने आपको बताया था, देखिए पेरिपेटस, पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नियोपाइलिना, एंड नियोपाइलिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। तो इसको आप याद रखेंगे नाम से इन ए एम, नियोपाइलिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। उसके अलावा पिंटाडा, पिंटाडा को बोलते थे हम लोग पर्ल एस्टर्स, और ये प्रोड्यूस करता है पर्ल मतलब ये मोती बनाता है। सेपिया एंड लोलिगो ये एडिबल है, सेपिया एंड लोलिगो आर एडिबल। ऑक्टोपस क्या करता है कि ये इंक की फ्लूड, जब जब इसके पास कोई शिकारी आता है तो ये अपने अंदर से इंक की फ्लूड निकालता है अपने डिफेंस के लिए। ऑक्टोपस इजेक्ट्स एन इंक की फ्लूड इन वाटर फॉर डिफेंस। इंक ग्लैंड्स, और इंक की फ्लूड जो निकाला जाता है ये निकाला जाता है इंक ग्लैंड्स के थ्रू, और इंक ग्लैंड्स पाई जाती हैं सेपिया में, ऑक्टोपस में एंड लोलिगो में। तो ये था आपका पूरा लेक्चर, हमने आपको बताया तीन फाइलम के बारे में, कौन कौन सा एनलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का के बारे में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इकानोडर्मेटा एंड हेमिकोरेटा के बारे में। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।